संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। सत्र से पहले कल केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इस बैठक में सरकार ने पिछले सत्रों का टकराव टालने का ध्यान रखा और बताया कि सांसदों को निलंबन जो उनका रद्द है वो रद्द होगा। आज संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए, तो वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, एनसीपी के शरद पवार और सपा के एसटी हसन और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई नेता शामिल हुए। सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि बजट सत्र ठीक से चले। पिछले सत्र में अलग अलग दिन विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए गए थे। हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है, संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके उनको सभी जो सस्पेंडेड एमपीस तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनंती किया है, वो दोनों ने स्वीकार। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। विपक्ष सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। उसका इरादा सत्र के दौरान सारे मुद्दे उठाने का है। भरपूर दुरुपयोग हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं, ईडी, सीबीआई, ये जिस तरह दुरुपयोग कर रही है उसका ताजा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ जो कुछ हो रहा है सारा मैंने उठाया है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो भी मैंने उठाया है। अक्षर मंत्री जो बजट पेश करेंगे 1 फरवरी बंगाल के ये इश्यूज को जो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर तक डिपुटेशन मेमोरेंडम एवरीथिंग दिया है उसके बारे में जवाब कर। संसद का यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। 17वीं लोकसभा का यह आखिरी सत्र होगा। संसद का यह सत्र बेहद छोटा रहेगा, पर हंगामे में कोई कटौती नहीं होगी। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, चुनाव सामने है, लिहाजा कोई भी पक्ष अपनी बात रखने से नहीं चुकेगा। यही वजह है कि संसद का यह सत्र भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।